हेलो एवरीवन, हमारे चैनल स्टडी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। फर्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले हम जानेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। अब मैनेजमेंट क्या करती है, पहले वो अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग करती है, जितने भी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट और ये सारी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को हेल्प करती है। वो इस वे में उसको प्रेजेंट करती हैं ताकि आगे की जो भी डिसीजंस हैं वो अच्छे से ले पाएँ। हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें ये पता पड़ता है कि कैसे हम बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जिस वे पे हम प्रेजेंट करते हैं, जिस फॉर्मेट, जिस एनालिटिकल थिंकिंग से हम प्रेजेंट उसको करेंगे, ताकि जो हमारी मैनेजमेंट है वो आगे के लिए अच्छे से डिसीजन ले पाए, पॉलिसीज या डिसीजन फ्रेम कर पाए हमारी अच्छी आगे की अंडरटेकिंग्स के लिए, उसको बोलेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, उसका एक सिंपल डेफिनेशन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एंटरप्राइज फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स के फॉर्मेट्स हैं उनका ऐसे प्रेजेंटेशन करना, ऐसे उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके मैनेजमेंट के सामने शो अप करना, ताकि वो आगे के प्लान्स को फर्दर अच्छे से फ्यूचर के लिए अच्छे से फ्रेम कर पाए, पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए, हिस्ट्री में जो पास्ट हुआ है उसमें क्या गलती हुई है, किस वजह से हमारे मैनेजमेंट्स या अकाउंट्स में अंतर आया है, उसको आगे ना हो और अच्छे से पॉलिसीज फ्रेम हो पाएँ। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहती है। तो नेचर और उसके करेक्टरिस्टिक्स हम डील करेंगे नेक्स्ट। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये है कि प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम लोगों ने कर लिया, उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, फॉर्मेट्स रहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करने के लिए बहुत सारे रूल्स और फॉर्मेट्स और पैटर्न्स को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, उसमें प्रॉपर कोई भी फॉर्मेट नहीं रहता। ठीक है, तो ये क्या करता है, हम अब हर कोई नहीं समझ पाएगा जो भी आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स है, क्योंकि वो हर किसी को उसका नॉलेज नहीं रहता। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे फाइनेंशियल अकाउंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है ताकि सामने वाला उसको अच्छे से समझ सके कि कहाँ पे क्या गलती है और कहाँ से कैसे कुछ डिसीजन वो फ्रेम करे या कहाँ पे क्या लैक कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसकी इन्फॉर्मेशन अगर हमें डिटेल्स में मिल जाएगी तो कैसे इन्वेस्ट करना है ये कंपनी आसानी से फिगर आउट कर सकती है, उनको डिसीजन मेकिंग में फर्दर हेल्प करेगा। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है कंसर्न विद फ्यूचर। ऑब्वियसली हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस को हमारे स्टडी करके बताएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या क्या फाइनेंस में कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स हुई है वो। तो अब जब उसको प्रेजेंट करेंगे तो मैनेजमेंट को ये पता चलेगा कि कैसे हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू हम आगे की फ्यूचर की मैनेजमेंट है उसको सुधार सकते हैं, ताकि आगे की अंडरटेकिंग्स हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट दिलाए। उसके बाद आता है टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अब कोई भी कंपनी कभी भी सेम पैटर्न फॉलो करके नहीं चल सकती, उसे टाइम टू टाइम और देखते साथ मार्केट को देखते बदलना चाहते। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू हम पूरे डिसीजंस ले सकते हैं, वो इजीली हमें सारे रिकॉर्ड्स और इस तरीके से डाटा को प्रेजेंट करेगी, जिसके हेल्प से हम फ्यूचर में जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आएंगे कि कैसे करना है वो ले सकते हैं, क्योंकि हमें अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन से अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस का जो कि मिला है हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू। उसके बाद आता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। और ये देखा जाए तो हमें पूरे डिटेल इन्वेस्टिगेशंस और पूरी कलेक्शन ऑफ डाटा है कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, वो कैसे पता चला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू। तो अब जहाँ पे भी एफिशिएंसी कम हो रही है, जहाँ पे भी रिसोर्स कम हो सकते हैं, मैनेजमेंट उसको ईजिली फिगर आउट करके हमारी कंपनी की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली वो बढ़ा सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ पे लैग कर रहे हैं। उसके बाद आता है अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्वियसली हम अगर स्टडी करते हैं हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस को, पास्ट जो भी हमारे वर्किंग है उसको हम स्टडी करते हैं, तो हमें आगे का एक्सपीरियंस मिलता है, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वैसे ही अगर प्रैक्टिस करते करते पास्ट एक्सपीरियंस अगर मैनेजमेंट को है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू उन्हें पता चल जाता है कि लास्ट में उनसे क्या गलती हुई और आगे उनको फ्यूचर में क्या करना चाहिए,
तो वो इजीली अपने प्लानिंग के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ, पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए अब वो जो भी ऑब्जेक्टिव्स लेंगे वो उसको इजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट में जो गलती की वो आगे वो अच्छे से इम्पॉर्टेंट और सही डिसीजंस लेके सही इम्प्लीमेंटेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का था ये हमारा टॉपिक अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।